ังวรังปริราหูพระสมณังธรรมเตชินะโสภินานาสันตุปัสสะเพพยาหูพระสเมนตุเตสะกัสสะวาสังคารตนังโอสถาอัปสะบีโคปะตาฮะคิบอดธรรมคะฮะคะฮะแฟลาฮะพระวานบุดकहां कहां और किन किन स्थानों पर गए, भगवान बुद्ध के जीवन का घटना चक्र क्या रहा, यहां तक कि किन किन देशों में बौद्ध धर्म आज फैल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध रहते कहां हैं? आज के समय में 2024 में जुलाई में कहां हैं भगवान बुद्ध? ये बात मैं अगर आपसे कह रहा हूं तो आप कहोगे कि ये कैसी फालतू की बात कर रहा हूं मैं। तो बिल्कुल ही आप इस बात से परेशान मत होइए, मैं कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही लॉजिकल बात कर रहा हूँ। अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक हो सकता है। आपने अगर क्रांतिकारी को सब्सक्राइब कर लिया है तो ऐसे जानकारी हम आगे और भी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिर कहाँ है भगवान बुद्ध, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध आज भी रहते हैं। तो स्वागत है आपका क्रांतिकारी पर, चलिए अब जानते भी हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी जगह जो कहीं पहाड़ों में स्थित है, पता भी है लोगों को कि किस जगह पर है, किस क्षेत्र में है, लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं जाते। और बौद्ध धर्म के अनुसार यह शक्ति का केंद्र है। ये जगह ऐसी है जिसका रास्ता किसी को समझ नहीं आता और जहां जो भी लोग रहते हैं वो अमर रहते हैं। विज्ञान कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर लगातार बॉडी में नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो इंसान 1000 साल से भी ज्यादा जी सकता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, ऐसा दुनिया के तमाम ग्रंथ कहते हैं। खैर, अब लौट के आते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर माना जाता है कि भगवान बुद्ध आज भी रह रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो जगह कहाँ है? जी हाँ, वो जगह है शंबाला। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंबाला कहा जाने लगा। शंबाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्ध धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। शंबाला को अब तक कई मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर आपने मूवी देखी होगी तो इसमें आप शंबाला के महत्व को देख सकते हैं और बौद्ध धर्म के महत्व को भी इस मूवी में बताया गया है। हालांकि अभी आई मूवी कल की, इसमें भी शंबाला का उल्लेख। दोस्तों, ये जो भूमि है शंबाला है, इसको ज्ञानगंज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन इस पौराणिक भूमि तक पहुँचने के निर्देश केवल कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में ही दिए गए, लेकिन उनको अभी भी कोई समझ नहीं पाया कि वो निर्देश कह क्या रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये निर्देश अस्पष्ट है, समझ नहीं आते। बौद्ध मानते हैं कि जो शंबाला है वो मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती है, चेतना सदैव जीवित रहती है। इसको सिर्फ शंबाला ही नहीं कहा जाता, इसको कुछ लोग सांग्रीला भी कहते हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध आज भी देह सहित है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई है उसके अनुसार जो सांग्रीला है या शंबाला है जहाँ पर भगवान बुद्ध रहते हैं, ये 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में है ये। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंबाला को देखा है उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। वो कहते हैं ये ऐसा शहर है जो झिलमिलाता रहता है और इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो ऐसे हैं जो दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं या आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। तिब्बती बौद्ध ये मानते हैं कि दुनिया में अराजकता जब अति हो जाएगी तो इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ ग्रंथों तक ही सीमित है, बल्कि कई देशों की सरकारें इस पर रिसर्च कर चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीन की सरकार ने कई बार इस शहर को तलाशने की कोशिश की है और चीन कितना हाईटेक है ये तो हम सभी जानते ही हैं।
लेकिन यहाँ पर आजकल के मैट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी तमाम नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है ताकि ढूंढा जा सके कि ये शांग्रीला है कहाँ। कहा जाता है कि चीनी सेना ने कई बार इसको तराशने की कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे हैं। इसका नाम है शांग्रीला, ज्ञानगंज, संभाला और तो सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। इसका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, इसमें महाभारत है, वाल्मीकि रामायण और वेद है। अंग्रेज लेखक है जिसका नाम जेम्स हिल्टन है, उसने भी अपने उपन्यास लास्ट होराइजन में भी इसको लिखा है। अब आपको बताते हैं कि जिस जगह पर शांग्रीला खोजने की कोशिश की गई वो जगह कहाँ है। दरअसल ये जगह आधुनिक समय में मानी जाती है कि कैलाश पर्वत और जो मानसरोवर झील है उसके आसपास कहीं है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने करा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो अपने विचारों पर काबू कर सकते हैं, जो तमाम सिद्धियां उनके पास हैं। शांग्रीला एक ऐसा शब्द है जो कि तिब्बती शब्द है और ये सैंग माउंटेन के पास से मिलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगह कुनलुन सैंग माउंटेन की घाटियों में कहीं है। शांग्रीला घाटी का जो अनुमानित एरिया है वो 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लंपिया धुरा पास से शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। ये काफी कठिन रास्ता है लेकिन 62 के युद्ध के बाद जो कि चीन के साथ हुआ था ये बंद कर दिया गया तब से। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि 1500 फीट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की स्थिति है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे है। यहाँ पर कई बार चीनी सरकार और चीनी सेना ने भरसक कोशिश करी है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाए लेकिन नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को यह भी लगता है कि जो कैलाश पर्वत है उसके ऊपर अगर चढ़ जाए तो शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए, लेकिन चीन की सरकार ने बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ सिर्फ भगवान बुद्ध ही नहीं रहते बल्कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी रहते हैं। इस संभाला में सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं। कई जगह यह वर्णन है कि सबसे पहले यहाँ पर स्वामी विशुद्धानंद परमहंस पहुंचे थे और तो यहाँ के जो लोग हैं टेलीपैथी संदेश के जरिए कैलाश के आसपास अदृश्य लोकों में उपस्थित लोगों से बात करते हैं। कहते हैं यहाँ पर लोगों के पास टेलीपैथी की शक्ति है। टेलीपैथी को एक तरह से आप दिव्य दृष्टि से समझ सकते हैं। 1882 में फ्रेडरिक W.H. मायर्स नाम के एक व्यक्ति ने इस दृष्टि को टेलीपैथी का नाम दिया, जहाँ पर एक व्यक्ति कहीं से कोई भी जगह से बैठ करके किसी दूसरे व्यक्ति का मन पढ़ सकता है, बातचीत कर सकते हैं दोनों। इसी को टेलीपैथी कहा जाता है। माना जाता है कि इस तकनीक का प्रयोग इस समय संभाला में किया जा रहा है जहाँ पर भगवान बुद्ध हैं तथा उनके कुछ अनुयायी भी हैं जो संभाला में आज भी रह रहे हैं। आप किस में लायक है कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।